पूरे मध्य प्रदेश से 34 साल पुरानी मांग को पूरा करेगी मोहन सरकार। बीना को जिला बनाए जाने पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। कांग्रेस से बीजेपी में गई निर्मला सप्रे ने सरकार से ये मांग की थी। जुन्नारदेव को भी जिला बनाए जाने पर कैबिनेट में सहमति बन सकती है। 3 सितंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक बुलाई है। उम्मीद है कि 3 सितंबर को होने वाली बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। 2 नए जिले की सौगात मध्य प्रदेश को मिल सकती है। 2 नए जिले बनाए जा सकते हैं मध्य प्रदेश में और 3 सितंबर को इसी को लेकर एक कैबिनेट की बैठक भी है। इसी कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया जाएगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता विवेक पांडे लाइव जुड़ेंगे और इस पर ज्यादा जानकारी देंगे कि 34 साल पुरानी मांग को मोहन सरकार पूरा करने जा रही है। चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, बीना को जिला बनाए जाने की मांग की जा रही थी बीजेपी में, जब निर्मला सप्रे गए उन्होंने सरकार से मांग भी की थी, इसके साथ जुन्नारदेव का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। विवेक, देखिए कई दशकों पुरानी मांग है बीना को जिला बनाए जाने को लेकर। कई बार बीजेपी के विधायकों ने ये मांग सरकार से की, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाले 3 सितंबर की मोहन कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को लेकर आया जाएगा और करीब 34 साल बाद बीना को जिला बनाए जाने पर सरकार सहमति देगी। लेकिन वहां के स्थानीय मंत्री हैं, उनकी भी मांग है कि खुरई और कई तहसीलें हैं उनको, विधानसभा है उनको जिला बनाया जाए, तो ऐसे में संभावना है कि बीना को जिला बनाए जाने का एक तरफ लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, वहीं कुछ मंत्री इसका विरोध भी कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी, दिलचस्प होगी कि 3 तारीख को आखिर बैठक में होता क्या, क्योंकि कैबिनेट कैलेंडर में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में ही जुन्नारदेव को भी एक जिला अलग से बनाए जाने पर सरकार ने फैसला किया है। इन दोनों ही नए जिलों को बनाने को लेकर 3 सितंबर को बैठक होगी। इसके अलावा कई अहम प्रस्ताव भी सरकार लेकर आएगी, लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि आखिर 34 साल बाद क्या बीना यह जिला बन पाता है या फिर नहीं, क्योंकि बीना का जो क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है और सागर जिले में अभी तक आता है, लेकिन बीना अलग से एक जिला बनेगा तो वहां पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो सबसे महत्वपूर्ण है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वहां से ज्यादा होगी, क्योंकि बीना रिफाइनरी से लेकर कई वहां पे बड़े सीमेंट के प्लांट है, तो ऐसे में उस बीना का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ेगा और इसके अलावा प्रशासनिक स्वीकृतियां भी आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि बीना अभी सागर में है, बीना अलग से जिला बनता है तो फिर बीना में ही कलेक्टर और SP कई अहम मामलों को निराकरण कर सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निर्मला सप्रे की ये पूरी कवायद है, क्योंकि वो कांग्रेस में थी उसके बाद बीजेपी में आई और बीजेपी में आने के बाद उन्हें कोई अभी तक पद नहीं मिला है, ना ही उन्होंने अभी तक विधानसभा से अभी तक इस्तीफा दिया है, लेकिन उनकी मांग है कि बीना को जिला बनाया जाए और संभवतः अगर कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष के पास जाती है और ये कहती है कि निर्मला सप्रे बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो मांग लंबे समय से चली आ रही थी विवेक, आखिरकार वो मांग पूरी हो सकती है और मंगलवार को देखना होगा कि क्या कुछ फैसला इस पक्ष में कैबिनेट लेती है। फिलहाल शुक्रिया विवेक आप।